माई चैनल ग्लैमरिड प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम हाँ पानी तो ले ही चलेंगे ना। तो शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं, चल रहे हैं कुंडा घूमने। क्यों, कहाँ चल रहे हम लोग? कुंडा। बच्चों को घुमा देते हैं कुंडा में और हम लोग भी थोड़े बहुत घूम लेते हैं क्योंकि जब से आए हैं अभी। और इधर देखो, फोटो सेशन चल रहा है क्योंकि अभी मैंने इतना सारा एक रील बनवाने के चक्कर में इतना सारा मैंने इसको तोड़ दिया है। अभी उसका एक गुंजा मान्य अभी यूटिलाइज कर रहे हैं। उदयन क्या हुआ? चलो अब चलते हैं, चलो इनको देखो। मजा आ रहा है। ए गुंजा, बहुत तेज नहीं करो ना वरना फिर वो उठ ही नहीं पाएगा। वो गिर गिर जा रहा है, वो इतना तेज जंप कर रही है। मजा आया उदयन को? मजा आया? हाँ चढ़ो ये। अभी छोटा है ना, गिर गिर जा रहा है। इनको देखो जरा, बेटा संभाल कर जाना ठीक है। मान्य गुंजा उधर ऊपर। उदयन आप भी उठो ना, वो उठ ही नहीं पाएगा, अभी छोटा है ना, तो जैसे कोई बड़े बच्चे जंप करने लग जाते हैं। हाँ मुझे इसमें बहुत चलने में डर लग रहा है। लेट गाएंगे। इनको देखिए तैर रहा है उसी में बॉल में। लेट लेट जा रहा है। इसे आओ, हाँ इसे आओ। एंजॉय कर रहे हैं बहुत, ये लोग खेल रहे हैं। इनको देखो, अब कहाँ जा रही है? इनको देखो दो लोगों को, उदयन कहाँ है भाई? उदयन नहीं, उसमें नहीं जाओ बेटा, इनको उसी में जाना है। बाप है।
बताइएगा भाभी। गेम जोन से अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और हमने ऑर्डर करा है पिज़्ज़ा साथ में फ्रेंच फ्राई, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो फ्रेंच फ्राई तो मंगाना ही पड़ता है और पिज़्ज़ा हम बड़ों के लिए हो जाएगा और बच्चे फ्रेंच फ्राई खा लेंगे। वैसे हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ही मंगा लिया था फ्रेंच फ्राई, तो हम लोगों ने भी थोड़े बहुत खा लिया था। मैं अपने खाना वाले मिशन जोन में आ गई हूँ, तो बना रही हूँ कटहल की सब्जी। एक तरफ मैंने कुकर में कटहल रखा हुआ है और इधर मैं पत्ता प्याज को पका रही हूँ। प्याज और मसाला जब तक पकेगा तब तक कुकर में एक दो सीटी आ जाएंगी और पक जाएगा कटहल, क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा टाइट टाइट सा कटहल लग रहा था, तो मन लगा कि नहीं थोड़ा सा इसको पका ही लेते हैं कुकर में, वरना पता चले कि कच्चा रह जाए तो फिर कढ़ाई में पके भी ना फिर वही हो कि कटहल पका ही नहीं ढंग से, तो रिस्क क्यों लेना। और साथ में मैंने आटा भी गूंथ करके रख लिया, इधर आपको दिखाऊं आटा भी मेरा गूंथ गया है और कटहल मैं छोंक रही हूँ। जैसे ही कटहल पक जाएगा मैं इसमें चावल चढ़ा दूँगी, खाना बन जाएगा। कटहल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज को पकाया हुआ है और इसके बाद सारे मसाले मैंने पानी में भिगो दिया था, और इसके बाद फिर मसाले को डाल देना है, अच्छे से ग्रेवी को पकाना है। और आप देख सकते हो जब ग्रेवी ऐसे थिक हो जाएगी ना, तो मैंने कटहल को कुकर में ही बॉयल कर लिया है, वरना बहुत टाइट टाइट सा लग रहा था। ये छोटा वाला कटहल था ना, तो मुझे पता था कि कढ़ाई में तो नहीं पकेगा, तो फिर मैंने ना कम से कम 4-5 सीटियाँ दिलाई कुकर में, तभी कटहल अच्छे से पक भी गए और कढ़ाई में फिर पकाने में आसानी भी रहती है। तो फिर मैंने कटहल डाल दिया है और अब इसके बाद मैं थोड़े से पानी डाल दूंगी। आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, इसको बस हल्का सा ढक दो तो पक जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा ना रसे वाला बनाना था, तो फिर मैंने पानी ऐड किया है थोड़ा सा। और अभी इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिनट तक, थोड़ा सा स्लो फ्लेम में मैं इसको पकाऊंगी। तो आप देख सकते हो कटहल बन करके तैयार हो गया है, और अभी ऊपर से इसमें डालेंगे धनिया पत्ता ताकि देखने में और ज़्यादा कलरफुल लगे। तो लास्ट में अब मैं धनिया पत्ता डाल ही देती हूँ, और धनिया पत्ता डालती ना आप देख सकते हो सब्जी का ना पूरा लुक ही चेंज हो जाता है और साथ में खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ तो घर में सब धनिया पत्ता बहुत पसंद करते हैं। तो मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी, पसंद आया हो लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।